तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए आदर्श है, तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझना इनको वस्त्र तू, जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझना इनको वस्त्र तू, ये बेड़ियां पिघाल के बना ले इनको शस्त्र तू, बना ले इनको शस्त्र तू। तो खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी, चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी, ये पापियों को हक नहीं कि ले परीक्षा तेरी, कि ले परीक्षा तेरी। तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है, तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है, जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है। तू आरती की लौ नहीं, तू क्रोध की मशाल है, तू क्रोध की मशाल है। तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है, तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। चुनर उड़ा के ध्वज बना, गगन भी कप कपाएगा, चुनर उड़ा के ध्वज बना, गगन भी कप कपाएगा। अगर तेरी चुनर गिरी तो एक भूकंप आएगा, एक भूकंप आएगा। तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है, तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भर कर जीवों में आशाएं, दिल में है अरमान यही, कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझमें, दीपक सा जलता देखोगे, सूरज सा तेज नहीं मुझमें, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर माटी में पल कर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं, मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं। शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है, इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है। तानों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरा हूं, मैं सागर से भी गहरा हूं। तुम कितने कंकड़ फेंकोगे, चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं जब भी बल्ब को देखता हूं तो मुझे थॉमस अल्वा एडिसन की याद आती है। थॉमस अल्वा एडिसन को जब वो छोटे थे तो उनकी स्कूल की टीचर ने उनको मंद बुद्धि कहा था और स्कूल से निकाल दिया था, और थॉमस अल्वा एडिसन के माता पिता को कहा था
कि हमारे स्कूल में हम इसको नहीं पढ़ा सकते, ये बहुत मंद बुद्धि, और आप इसको घर में पढ़ाइए। थॉमस अल्वा एडिसन की माँ ने उनकी बात को मानने से इनकार कर दिया और उन्होंने बोला मेरा बच्चा मंद बुद्धि नहीं हो सकता, मैं इसको घर में पढ़ाऊंगी। और थॉमस अल्वा एडिसन आज दुनिया के उन वैज्ञानिकों में से जाने जाते हैं जिनके नाम से मैक्सिमम इन्वेंशंस हैं, दुनिया के टॉप 10 में से एक। यदि थॉमस अल्वा एडिसन की माँ ये मान लेती कि मेरा बच्चा मंद बुद्धि है, तो पूरी जिंदगी वो उसको मंद बुद्धि की तरह ट्रीट करती रहती और वो मंद बुद्धि नहीं होता। साथियों, इतिहास कौन रचता है? इतिहास वो नहीं रचते जो लोगों की बात सुन के मान लेते हैं कि मैं कमजोर हूं, मैं हीन हूं, मैं नहीं कर सकता, मुझे नहीं करना। इतिहास वो नहीं रचते जो किसी दूसरे की राय के लिए अपने संकल्प छोड़ देते हैं। इतिहास वो नहीं रचते जो कोई दूसरा डिस्करेज करता है, डिसहार्टन करता है, तो अपने टारगेट्स छोड़ देते हैं। इतिहास वो नहीं रचते जो कोई उनसे खराब व्यवहार करता है तो वो अपना अच्छा व्यवहार छोड़ देते हैं। इतिहास वो नहीं रचते जो जरा सा टॉर्चर पाके अपना टारगेट छोड़ देते हैं। इतिहास वो रचते हैं जो सहते हैं। इतिहास वो रचते हैं जो खड़े होते हैं। हमने अपनी एक शानदार फिल्म आई दंगल, आपने जब महावीर सिंह फोगाट ने अपनी बेटियों को तैयार करना शुरू किया तो पूरे गांव में जाकर महावीर सिंह फोगाट ने उनको सुबह सुबह खाया, उनके बाल कटवाए, खाने पीने सब कुछ किया, यहां तक कि उनके बच्चों ने उनको दुश्मन समझ लिया। और ऐसे ही कई बार होता है, ढेर सारे बच्चे अपने माँ बाप को दुश्मन समझते हैं। आपका तिरस्कार हो रहा है कहीं, और आप यदि उसकी वजह से हिम्मत हार के बैठ गए तो आप बड़े नहीं होंगे। भरी गर्मियों में जिस सूरज का तिरस्कार होता है, सर्दियों में उसी सूरज का इंतजार होता है। याद रखिए, आज तिरस्कार का मतलब आजीवन तिरस्कार नहीं है। इतिहास वो नहीं रचेगा जो लोगों की सुनेगा। इतिहास वो नहीं रचेगा जो टारगेट छोड़ेगा। इतिहास वो नहीं रचेगा जो हीन भावना में चले जाएगा। इतिहास वो नहीं रचेगा जो दूसरों को सुपीरियर और खुद को इंफीरियर समझेगा। इतिहास वो नहीं रचेगा जो अपग्रेड करने को तैयार नहीं होगा। इतिहास वो नहीं रचेगा जो जरा जरा सी बात पे घबरा जाएगा। इतिहास वो नहीं रचेगा जो सैकड़ों लोगों का अप्रूवल लेगा। इतिहास वो नहीं रचेगा जो इनडिसिसिव है, जो निर्णय नहीं लेता। इतिहास वो नहीं रचेगा जिसके पास विल पावर नहीं है। इतिहास सिर्फ वो रचेगा जो खड़ा होकर लड़ रहा है, क्योंकि जो लड़ रहा है वो गिरेगा फिर उठ खड़ा होगा, जो लड़ रहा है वो हारेगा लेकिन फिर जीतेगा, लेकिन जो लड़ा ही नहीं वो तो जीता ही नहीं, वो तो हारा ही नहीं, क्योंकि वो कभी लड़ा ही नहीं। तो यदि थोड़ा सा भी इतिहास रचना है, यदि थोड़ी भी वैल्यूएबल जिंदगी बनानी है, यदि कुछ भी हासिल करना है, तो लड़िए, लोगों की ना सुनिए, लड़िए, डरिए मगर करिए। डरना स्वाभाविक है, किसी बड़े काम को करते हुए डर लगता है, किसी संकल्प को पूरा करते हुए डर लगता है, किसी राह पे चलते हुए डर लगता है। दुनिया की बड़ी ऑनलाइन अखबार की मालिक एरियाना हफिंगटन कहती है, मुझे बहुत डर लगता है, मैं डरती हूं, बिकॉज फियर इज नॉर्मल, बट मैं फिर भी करती हूं क्योंकि उसको करना जरूरी है। डरिए मगर करिए, क्योंकि इतिहास डरने वालों को याद नहीं रखेगा, इतिहास करने वालों को याद रखेगा। सम्मान डरने वालों का नहीं होगा, सम्मान करने वालों का। करिए कुछ, करिए, ये जिंदगी आपकी, कुछ ऐसा करिए कि लोग आपको याद करें, कुछ ऐसा करिए कि आपको अपने जीने में गर्व हो। भले ही आपने किसी ने आप पे कुछ भी लेबल लगाया हो, आपके बारे में कितना ही हल्का बोला हो,
जब थॉमस एल्वा एडिसन इस बल्ब का आविष्कारक मंद बुद्धि कहलाने के बाद इतिहास रच सकता है और हर टेक्स्ट बुक, हर बच्चा बच्चा उसका नाम जान सकता है। देश के हर इंसान के दिल में एक ख्वाब होता है, उस ख्वाब के साथ उसके मन में कुछ विचार भी होता है, आइडियाज भी होते हैं। कुछ लोगों के आइडियाज हर दिन पैदा होते हैं और शाम होते होते बाल मृत्यु हो जाता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो आइडिया के साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं, वो उससे बाहर नहीं निकलते और पूरा परिवार परेशान हो जाते हैं कि कुछ करता नहीं, बस इसी में लगा रहता है, किसी से बात नहीं करता है, यार दोस्तों से नहीं मिल रहा है, क्या हो गया है इसको, कहीं पागल तो नहीं हो गया। लेकिन वही एक दिन कुछ कमाल करके दिखा देता है, तब पूरे परिवार को लगता है नहीं नहीं साहब इसमें तो पहले से ही ऐसा था, क्योंकि ज्यादातर फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर है। और जब कुछ सोचा होगा नहीं बेटे अपना काम नहीं तो कहीं नौकरी कर ले, शुरू में जब दोस्तों ने सुना होगा बहुत मजाक उड़ाया होगा, उपहास किया होगा, जाते आते आपको उसी उपनाम से सुनाते होंगे ये कुछ करने वाला है, ये करने वाला है। फिर एक पल आया होगा सारी दौर विरोध हुआ होगा, सब दौर परिवार के लोगों ने विरोध किया होगा, नहीं ये नहीं करना है, जाओ कमाओ नौकरी कर लो। उस विरोध के बावजूद भी जो टिके होंगे आज सब लोग कहते होंगे कि हर इसने तो कमाल कर दी, कुछ ऐसा मुझे भी करना है। हर किसी के स्टार्टअप की जिंदगी की यही कहानी है, विशाल और सफल कारोबार का निर्माण करने के लिए असफलताओं से बचा नहीं जा सकता। जो पानी से भागता है वो कभी तैरना नहीं सीख सकता, एक बार तो डूबना ही पड़ता है तब जाकर के तैरना शुरू होता है। हर चीज की कहीं शुरुआत होती है, तो जो करता है उसी को दिखता है क्या होने वाला है, औरों को वही दिखता है कि ये पागल है। ऐसे कमाने के इरादे से आता है वो कभी स्टार्टअप कर ही नहीं सकता, जो कुछ करने के इरादे से आता है पैसे उसके लिए बाय प्रोडक्ट होते हैं। एक भीतर से ऊर्जा होती है, भीतर में सपने होते हैं, उसके साथ खप जाने का इरादा होता है, तब जाकर के परिस्थितियां पलटती है। जो ऐप बनाता है या जो स्टार्टअप की दुनिया में एंटर होता है या कोई नई चीजों को इनोवेट करता है, उसके मूल में उसके अंदर एक संवेदना होती है। बहुत कम लोग इस बात को अनुभव कर पाएंगे, और जब वो कुछ बुरे हाल देखता है, कुछ समस्या देखता है, वो उसे सोने नहीं देती, समस्या उसकी नहीं है किसी और की है, लेकिन वो उसे सोने नहीं देती, उसका मन करता है मैं कोई रास्ता खोजूं, मैं कुछ करूं इसके लिए। किसी के लिए जो दर्द होता है, जो हमें हमारे भीतर एक ऐसी अवस्था पैदा करती है जो इन लाखों करोड़ों के दर्द को दूर करने का कारण बन जाती है, और तब स्टार्टअप हो। हर स्टार्टअप के पीछे कोई न कोई समस्या के समाधान का इरादा रहना चाहिए, और जब किसी स्टार्टअप के पास समस्या के समाधान का इरादा होगा तो उसकी संतोष का लेवल भी कहीं कुछ और होगा। स्टार्टअप कहने के बाद कुछ लोगों की सोच होती है तो बड़ा हाईफाई होगा, लैपटॉप के बाहर दुनिया कुछ नहीं होगी, मोबाइल से जुड़े होंगे, कि हर किसी के पास बिलियन डॉलर का काम हो रहा है और 2000 लोग काम करें, जरूर नहीं, 5 लोगों को भी अगर मैं रोजगार देता हूं तो मेरा स्टार्टअप मेरे देश को आगे बढ़ा। एक साइकोलॉजिकल चेंज लाना है कि यूथ के दिमाग में जॉब सीकर की मानसिकता से उसको बाहर लाना है, वो जॉब क्रिएटर बने, और एक बार उसके दिमाग में आ गया कि मुझे 2 लोगों की जिंदगी को बस संभालना है, तो कर ले, मैं वो कुछ करके दिखाऊं जिसमें मैं जॉब क्रिएटर बनूं, मैं वो कुछ करके दिखाऊं कि जिसके कारण किसी की जिंदगी में मैं काम आऊं, मैं वो कुछ करके दिखाऊं कि मेरे देश को एक कदम आगे ले जाने में मेरा भी कोई योगदान हो। इतना भी अगर सपना लेकर के हम चलते हम बहुत कुछ कर सकते हैं। इस दुनिया में ना तो कुछ मुश्किल होता है ना ही आसान होता है, सारा खेल मानने का है।
जो मानता है कि उसके लिए मुश्किल है तो उसके लिए मुश्किल है, और जो मान लेता है कि मेरे लिए आसान है तो उसके लिए सब आसान है। ना तो कुछ मुश्किल होता है ना ही आसान होता है, सारा खेल मानने का है। जो मानता है कि उसके लिए मुश्किल है तो उसके लिए मुश्किल है, और जो मान लेता है कि मेरे लिए आसान है तो उसके लिए सब आसान है। चिंगारी जिद से जुनू तक है जाना, हर कतरा बोल रहा मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी, सिद से जुनू तक है जाना, हर कतरा बोल रहा जुनू तक है जाना, हर कतरा बोल रहा अल्लाह उन्हें कश्मीर चाहिए और हमें उनका सर। Are you ready boys? सूरज सा तेज नहीं मुझमें, दीपक सा जलता देखोगे। सूरज सा तेज नहीं मुझमें, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं
जिसको नदियों ने सींचा है। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं, मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं। शीशे से कब तक तोड़ोगे? मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे? तुम मुझको कब तक रोकोगे? इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है। इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है। तानों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरा हूं, मैं सागर से भी गहरा हूं। तुम कितने कंकड़ फेंकोगे? चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे?